एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एमडी मोटोकॉप्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने है इस समय द ग्रेट जीप कंपस। जीप कंपस की ये टॉप ट्रिम है जो कि है जीप कंपस लिमिटेड ऑप्शनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फ्रंट लुक की मैं इसमें बात कर रहा हूँ, आपको इसमें मिलेगी 7 पिलर्स की बोल्ड ग्रिल जो कि जीप कंपस के लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करती है। ओवरऑल मुझे ये कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी बहुत ही बल्की लुक के साथ ये गाड़ी मुझे लगती है और वन ऑफ माय फेवरेट ये गाड़ी इस समय है। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको मिलेंगे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विद LED DRLs। ब्लैक स्मोक हेडलैम्प्स आपको इसमें मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसमें कोई दो राय नहीं है। करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसके आपको व्हील आर्चेस स्क्वायर शेप में मिलेंगे जो इसको इसके एसयूवी लुक को और इन्हेंस करते हैं। और आप देखेंगे इसके जो टायर्स हैं, ये 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं जिनमें आपको जीप की एम्बलिंग मिल जाती है। ओवरऑल साइड से काफ़ी अच्छा लुक मिल रहा है गाड़ी का। हेडलैम्प्स तो ज़बरदस्त है मैं कहूँगा। तो ये थी इसकी साइड प्रोफाइल, और अब इसके बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। अब हम आ गए इसके साइड बैक प्रोफाइल की तरफ। तो पीछे से तो भैया ये इतना प्रीमियम लुक देती है कि मैं क्या बताऊँ। अब इसके टेल लैम्प्स देख सकते हैं, एल शेप के टेल लैम्प्स हैं जो कि LED हैं, फुल LED हैं। रात में काफ़ी अच्छा लुक देंगे ये, और जीप की एम ब्रांडिंग आपको इसमें मिलेगी। रेयर पार्किंग कैमरा भी है इसमें और सेंसर्स के साथ। तो ये है इसका बैक प्रोफाइल जो कि काफ़ी गजब है। ये आपने देखा, इसे मैंने अभी तुरंत अनलॉक किया और लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। चलिए आपको इसका मैं इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। साउंड सुना आपने गजब का। ये है भैया इसका जीप कंपस का इंटीरियर जो कि आ गए हम लोग जीप कंपस के अंदर। और ये आपने देखा, ये है इसका इंटीरियर, और ये आपको बीच में मिलेगा MID। सॉरी, AC की आवाज़ आपको आ रही होगी, एयर फ्लो है तो वो आएगा ही। और ये लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा इसका RPM मीटर और लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर। थोड़ा पीछे हम आएंगे तो आ जाता है जीप का स्टेयरिंग व्हील। काफ़ी प्रीमियम स्टेयरिंग है, ये लेदर रैप्ड है तो स्टिचिंग रेड स्टिचिंग के साथ है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस साइड अगर मैं आऊँगा तो आपको मिलेंगे MID को कंट्रोल करने के स्विचेस। आप देख सकते हैं यहाँ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और उधर डिस्प्ले चेंज हो रहा है। इधर आपको ब्लूटूथ और कॉल से रिलेटेड सेटिंग्स मिलेंगी। SRS एयरबैग, आपको 7 SRS एयरबैग मिलेंगे ना इसमें। और ये इस साइड अगर मैं आऊँ तो फील तो आता है बटन वाला, लेकिन प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे ये, बाकी तो काफ़ी प्रीमियम फील इसमें मिलता है। इस साइड अगर मैं आ जाऊँ तो आपको मिलेंगे रेयर व्यू मिरर कंट्रोल करने के स्विचेस, और ये चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं। ये चाइल्ड लॉक आपका है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं लॉक या डोर को अनलॉक करने के स्विचेस हैं। इधर मैं आ जाऊँ तो ये है हेडलाइट के स्विचेस। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं अपने एडजस्टिंग के साथ, फिर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करने का। इधर मैं आ जाता हूँ तो वाह, ये है जीप का 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें FM की सेटिंग्स हैं, इसमें आपको मीडिया मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा आपका, और काफ़ी सारे ऐप्स फ़ोन और काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो ये जो इसका डिस्प्ले है, ये Apple CarPlay और Android Auto के साथ आता है। टच तो काफ़ी बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्सिव टच है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल था इसका, जो AC की आवाज़ आपको आई। थोड़ा नीचे मैं आ जाऊँ तो
आपको यहाँ एसी के नॉब्स वगैरह मिलेंगे जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि पैसेंजर साइड्स के एसी वेंट्स आप अलग कंट्रोल कर पाएंगे और अपने ड्राइवर साइड के एसी वेंट्स आप अपने हिसाब से अलग कंट्रोल कर पाएंगे। और नीचे मैं आऊँ तो आपको ऑक्स और यूएसबी मिलेगा और यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जर। गियर्स की मैं बात करूँ तो ये है इसका, मैं सॉरी मुझे फिर से यहाँ से बनाना पड़ रहा है, ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि 2.2 लीटर मल्टी जेट इंजन के साथ डीजल वेरिएंट है इसका। इधर आपको ये मिलेगा पार्किंग का ऑप्शन और ट्रैक्शन कंट्रोल। इधर आप एक चीज़ मिस करेंगे वो है हैंड ब्रेक। मैं कहूँगा इसमें हैंड ब्रेक मिस नहीं है, ये जीप का बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि इसमें आपको सीट बेल्ट के साथ हैंड ब्रेक वाला ऑप्शन मिलता है। सीट बेल्ट इन सेंस जब तक आप इसमें सीट बेल्ट लगाएंगे नहीं ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी और बिना स्टार्ट हुए गाड़ी चलने वाली नहीं है। अब मैं इसके इंटीरियर क्वालिटी की बात करूँगा, फिट एंड फिनिश की बात करूँगा, तो ये आप देख रहे हैं ये मेरे हाथों से दब रही है, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा इसका इंटीरियर फिनिश है। साइड पैनलिंग में भी आपको सॉफ्ट फिनिश मिलेगी वाइट विद रेड स्टिचिंग, तो ये गाड़ी फुल प्रीमियम लुक आपको देती है और कहीं से भी आपको कोई भी बेकार फीलिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। इधर मैं आ जाऊँ तो ये है इसका रियर व्यू मिरर जो कि ऑटो एडजस्ट है और ऑटो डिमिंग के साथ आता है। इधर आपको मिल जाएंगे इसके स्विचेस जो कि लाइट्स के हैं, तो बहुत ही अच्छी मुझे अभी तक ये कंपस लगी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लेगरूम कितना मिलता है। ये मेरा घुटना है और ये आप देख रहे हैं ये इसमें लेगरूम है, पूरी एडजस्ट है। और मेरे एक मित्र है मेरे साथ, वो अराउंड 6 फिट से ज़्यादा हैं, तो ये लेगरूम आप देखिए, हालांकि सीट पूरी पीछे की जा चुकी है, 6.5 फिट का ये बंदा है और जगह आप देख सकते हैं। और इधर मैं आऊँगा तो ये है इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी बहुत ही अच्छा ग्लव बॉक्स है वाइट फील के साथ। इसे मैं खोलूँगा तो आपको मिलेगा ये, हालांकि कोई जी हाँ ये एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो आप इसमें अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लॉन्ग ट्रिप के साथ रख सकते हैं। इधर के ग्लव बॉक्स में अगर मैं आऊँ तो हालांकि जगह मुझे बहुत मिल रही है इसमें, ये मेरे ख्याल से एयर कूल्ड नहीं है जो कि जीप को इसे एयर कूल्ड भी देना चाहिए था। तो ये है ओवरऑल जीप कंपस का इंटीरियर। चलिए मैं इसके पीछे की सीट्स आपको दिखा देता हूँ, दरवाज़ा खोलते ही ये आपका इंटीरियर आ जाता है ब्लैक सीट्स विद वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। और ये सीट आपने देखा था, ये पीछे वाली सीट जो थी पूरी पीछे है, और जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ ये आप लेगरूम देखिए, इतना लेगरूम है पूरी सीट पीछे होने के बाद। ये जीप का स्पेस मैनेजमेंट है। इधर आपको रेयर एसीवेंट्स मिल जाएंगे जो कि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये आपको मिल जाएगा यूएसबी केबल, और ये है पूरा इंटीरियर जो पीछे से दिखता है जीप कंपस का। तो फिलहाल मैं हूँ ड्राइविंग सीट के पीछे, और ये ड्राइविंग सीट जो थी मेरे ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से एडजस्ट थी। तो अब आप ये देखिए, पूरा एक हाथ का डिस्टेंस है मेरे पैर और सीट के बीच, और इसमें मैं आराम से अपना पैर फैला के बैठ सकता हूँ। वाह, वाकई में बहुत ही अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है इस गाड़ी का, स्पेस के मामले में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है इसमें। तो ये इसके डोर पैनल्स हैं पीछे के, और ये इसका पूरा वाइट ब्लैक का शानदार इंटीरियर। आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ रही है इस बेहतरीन गाड़ी के सामने, तो मैं इसका हेडरूम दिखाना चाहूँगा। ये इतना हेडरूम है, पूरे एक हाथ का गैप, तो वाकई में काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल रहा है इस गाड़ी में, और जो इसका रिक्लाइनिंग एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है। आऊँगा जो ये है इसका आर्मरेस्ट लेदर के साथ, तो काफ़ी अच्छा आर्मरेस्ट है, आपको इसमें कप होल्डर्स वगैरह भी मिलेंगे, तो बहुत ही प्रीमियम लुक आपको इसमें मिलता है।
अब दोस्तों मैं आपको इस जीप कंपस का बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो खोलते ही आपको ये विशाल काय बूट स्पेस मिलेगा इसमें, जो कि है पूरे 438 लीटर का। 438 लीटर का बूट स्पेस है। उसका जो बेस है वो काफ़ी ऊपर है, ताकि सामान अंदर बाहर करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये था जीप कंपस का बूट स्पेस। तो ये थी जीप कंपस लिमिटेड ऑप्शनल। तो मैंने आई होप मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और बूट स्पेस वगैरह सब कुछ दिखा सकूं। और मैं इस वीडियो को बनाने के दौरान एक कुछ चीज़ें भूल गया, वो है जैसे कि इसकी डायमेंशंस और इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। अलॉन्ग मैं इसका प्राइस भी आपको मेंशन कर दूंगा, जो ये टॉप डिस्क्रिप्शन का प्राइस होगा विद डीजल के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और अपनी गाड़ी ध्यान से चलाएं। यह है जीप कंपस।